शाहपुर थाने की पुलिस ने गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान गोली मारकर हत्या करने वाले तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर तीन अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पीछे से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान पंकज त्रिपाठी पुत्र नर्वदेश्वर त्रिपाठी निवासी राजनगर कॉलोनी आस्था अस्पताल के सामने थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा शिव निषाद उर्फ लकी पुत्र पलचू निषाद निवासी हर सेवक नंबर 1 शिव मंदिर चोला थाना उगलेरिया जनपद गोरखपुर, तीसरा शिवेश दत्त त्रिपाठी पुत्र राकेश कुमार त्रिपाठी ग्राम करही पोस्ट बरही थाना जगहा जनपद गोरखपुर हाल पता न्यू कॉलोनी सिंगरिया कूड़ा घाट थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक अवैध पिस्टल 3 खोखा कारतूस 1 क्षतिग्रस्त कारतूस बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि मृतक विकास तिवारी पुत्र रविंद्रनाथ तिवारी निवासी ग्राम तिलौली उर्फ जेहरी थाना कुकुंदू जनपद देवरिया हाल पता मकान नंबर EWS राप्ती नगर फेज 4 थाना शाहपुर गोरखपुर रिलायंस ट्रेडर्स असुरन के पास मेला देखने गया था कि विपक्षी गढ़ों द्वारा एक साजिश के तहत एक राय होकर जान से मारने की नियत से गाली देते हुए ललकारते हुए 3 राउंड फायर कर गोली मार देना, जिससे मृतक का गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको देखते हुए घायल व्यक्ति को BRD मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा घायल व्यक्ति की स्थिति गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया, जहां से इलाज के लिए मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ले जाते समय युवक की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में मृतक के पिता श्री रविंद्रनाथ तिवारी द्वारा थाना शाहपुर पर प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा लिखवाया गया, जिसको देखते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि विवेचना से प्रकाश में आया है कि मृतक विकास तिवारी एवं पंकज त्रिपाठी में 4-5 महीनों से पैसों के हिसाब को लेकर काफी मनमुटाव हुआ था। विकास तिवारी द्वारा अभियुक्त पंकज त्रिपाठी को सार्वजनिक रूप से अशब्द बोले गए थे। इसी बीच जुलूस के दौरान लकी निषाद से विकास का झगड़ा हो गया था। इस बात को लकी ने पंकज से बताया था। पंकज ने लकी को उकसा दिया कि विकास तिवारी मुझे भी बेइज्जत किया है, तुम इसे देख लो, और पंकज के साजिश के तहत उकसाने पर लकी ने गोली मार दी तथा वहां मौजूद शिवेश दत्त त्रिपाठी द्वारा हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को लेकर के छिपा दिया गया था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, SOG प्रभारी मनीष कुमार यादव, उपनिरीक्षक रामानु सिंह यादव, आशीष कुमार सिंह, रविंद्र सिंह, कांस्टेबल प्रशांत नाविक, अजय यादव, राहुल सरोज, अमृत यादव, हेड कांस्टेबल राजमंगल सिंह, राम इकबाल राव, करुणापति तिवारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, आशीष का चल 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 ठीक है, दे हैव डन ए वेरी गुड जॉब। और ये जो होता है नहीं बोल दीजिए, मैं कितने बार है इधर दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं सर, मुझे तो मुझ लूप क्या ब्लाइंड मर्डर आशीष की हाइट आनी चाहिए पूरी। गोरखपुर के शाहपुर थाना अंतर्गत 7 अक्टूबर को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान एक मूर्ति जा रही थी जो खजांची चौराहे पर रखी गई थी। जब वो खजांची चौराहे ससुरन पे आई तब उस मूर्ति के पीछे पीछे चल रहे कुछ लोगों के बीच में विवाद हुआ। उसी समय एक लकी निषाद नाम के व्यक्ति द्वारा 3 राउंड फायर करके एक विकास तिवारी नाम के व्यक्ति को गोली मारी। उसके बाद में विकास तिवारी को अस्पताल ले जाया गया मेडिकल कॉलेज से, फिर उसको लखनऊ रेफर किया गया मेदांता में और उसकी वहाँ मौत हो गई। इसके बाद में पुलिस ने विवेचना की और पूछताछ करने के बाद में पता चला
कि एक पंकज त्रिपाठी नाम के व्यक्ति, जिसके ऊपर पूर्व में भी दो मुकदमे थाना कोतवाली एवं थाना गोरखनाथ में हत्या और हत्या के प्रयास के दर्ज हैं, एवं दो गैंगस्टर के मुकदमे भी उन्हीं थानों में दर्ज हैं, उस व्यक्ति के द्वारा कुछ पैसे के लेन देन की बात आई है जो एक दिन पहले प्रकाश में आया है, और उसी पैसे के लेन देन को लेके उसी को एक छिपाने के चक्कर में उसने लकी निषाद को एक घटना का आपस में लड़ाई का एक रूप देके उसने उसी गार्ड में उसे फायर करवाया, और लकी निषाद ने फिर वो बाद में घटना के बाद में पिस्टल फेंक दिया था, जो सुरेश दत्त त्रिपाठी से बरामद किया गया पुलिस द्वारा। इस प्रकार तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एवं हत्या का मोटिव पैसा का लेन देन एवं उसी वक्त उकसाने को लेकर है। बाकी जो दो लोग हैं उनका कोई पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, सिर्फ पंकज त्रिपाठी का ही आपराधिक इतिहास है। थैंक यू।